हाई गाइज दिस इज़ डी के एंड वेलकम टू माई चैनल डी के इज एजुकेशनल हब आज के इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर टेन बिहाइव से काठमांडू के बारे में जानेंगे तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिफोर यू रीड डू यू लाइक ट्रेवलिंग द राइटर विक्रम सेठ इंजॉयज इट वेरी मच इन हीज बुक हेवन लेक ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाया तिब्बत एंड नेपाल हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ मधुराई सांची वाराणसी, सारनाथ और हेलबिद कैन यू नेम सम अदर सच प्लेसेस लाइक दिस क्या आपने अजमेर शरीफ मधुराई, सांची वाराणसी सारनाथ या हेल्बी जैसी जगहों के बारे में सुना है क्या आप इस तरह की और जगहों के नाम बता सकते हैं वॉट डू द सराउंडिंग्स ऑफ अ होली प्लेस सिटी लुक लाइक थिंक अबाउट इट एज़ यू रीड विक्रम सेट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू आपके शहर में पवित्र स्थलों के चारों ओर का वातावरण कैसा दिखता है जब आप विक्रम श्रेष्ठ का काठमांडू के बारे में वर्णन पढ़ो तो इस बारे में सोचो आई गेट अ चीप रूम इन देंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर सात सन एंड नेफियो आई विजिट द टू टेम्पल्स इन काठमांडू डेट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट्स मैं शहर के बीच में एक सस्ता कमरा ले लेता हूँ तथा घंटों सोता हूँ अगले दिन प्रातः मैं श्रीमान शाह के पुत्र व भतीजे के साथ काठमांडू के दो मंदिर देखने जाता हूँ जो कि हिंदुओं तथा बुद्धों के लिए अत्यधिक पवित्र हैं एक पशुपतिनाथ Outside, which a sign proclaims entrance for the Hindus only. There is an atmosphere of febrile confusion. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons, and dogs roam through the grounds. We offer a few flowers. There are so many worshippers that some people trying to get the priests' attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. A princess of the Nepalese royal house appears. Everyone bows and makes way by the main gate. A party of saffron-clad westerners struggle for permission to enter. The policeman is not convinced that they are the Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. A fight breaks out between टू मंकीज वन चेज इज दर वन जम्प्स ऑन टू अ शिवलिंगा देन रंस स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर द होली बागमती पशुपतिनाथ मंदिर में जिसके बाहर लगी सूचना कहती है कि केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं अत्यधिक अव्यवस्था का वातावरण है मैदानों में पुजारी खोमचे वाले भक्त यात्री गाय बंदर कबूतर तथा कुत्ते घूमते हैं हम कुछ फूल चढ़ाते हैं इतनी अधिक संख्या में पूजा करने वाले लोग हैं कि कुछ लोग जो पुजारी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं उन्हें दूसरे लोगों द्वारा जो धक्के मारकर आगे जाते हैं कोहनियाँ मारकर अलग हटा दिया जाता है नेपाल के शाही घराने की एक राजकुमारी नज़र आती है तथा प्रत्येक व्यक्ति सिर झुकाकर रास्ता छोड़ देता है मुख्य द्वार पर के सरिया कपड़े पहने हुए पश्चिमी लोगों का एक दल प्रवेश की अनुमति के लिए संघर्ष करता है पुलिस के सिपाही को विश्वास नहीं होता कि वे हिंदू हैं केवल हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश की आज्ञा है दो बंदरों की लड़ाई छिड़ जाती है एक दूसरे को भगाता है जो कि शिवलिंग पर कूदता है और फिर चीखता हुआ मंदिरों का चक्कर लगाता हुआ पवित्र बागमती नदी की ओर चला जाता है डेथ फ्लोर्स बिलो अ कॉर्प्स इज बींग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक्स वासर वेमन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बेद फ्रॉम अ बैल्कनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल Is dropped into the river. A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali will end on earth. Jo ki niche इसके किनारे पर एक मृतक का दाह संस्कार किया जा रहा है ने अपने कार्य में लगी हुई हैं तथा बच्चे नहाते हैं छज्जे से पहले चढ़ाए गए मुरझाए हुए फूलों व पत्तों की एक टोकरी नदी में गिराई जाती है नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर पत्थर के मंच से आधा बाहर निकला हुआ दिखाई देता है जब यह पूरा बाहर निकलेगा तो अंदर से देवी निकलेगी उस समय पृथ्वी पर कलियों का पूरा समय समाप्त हो जाएगा एट द बौधनाथ स्तूपा द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू देर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस इट्स इमेंस व्हाइट डोम इज रिंगड बाई ए रोड स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर इज मेनी ऑफ दिज आर ओन्ड बाई टिबन इमिग्रेंट्स हेल्ट बैग्स टिबन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हीयर देर आर नो क्राउड्स दिस इज अवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड काठमांडू के बुद्ध धर्म स्थान बुद्ध स्तूप पर इसके विपरीत शांति है इसकी विशाल सफ़ेद गुमबद के चारों ओर सड़क है बाहे किनारे पर छोटी छोटी दुकानें हैं जिनमें से बहुत सी दुकानें तिब्बती अप्रवासियों की हैं नमदे के थैले तिब्बती छापे वाले कपड़े तथा चांदी के गहने यहाँ खरीदे जा सकते हैं यहाँ भीड़ नहीं है यह व्यस्त गलियों के बीच में शांत स्थान है काठमांडू इज विविध Mercenary, religious, with a small shrines to flower adorned, that is, along the narrow west and busiest streets, with fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards, shops selling western cosmetics, film rolls, and chocolate or copper utensils. And Nepalese antiques. Film songs blare out from the radios. Car horns sound. Bicycle bell rings. Stray cows low questioningly at motorcycles. Vendors shout out their wares. I indulge myself mindlessly buy a bar of manji fin a corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement rubbed with salt chili powder and lemon a couple of love story comics and even readers digest all this i was down with coca-cola एंड द नोशिएटिंग ऑरेंजिंग एंड फील मच द बेटर फ्रेट काठमांडू सजीव धन प्रिय तथा धार्मिक स्थान हैं जहाँ तंग तथा व्यस्त गलियों में फूलों से सजीव देवियों के मंदिर हैं यहाँ पर फल बासुड़ियाँ पोस्टकार्ड बेचने वाले हैं दुकानों पर सौंदर्य सामग्री फिल्म की रीलें चॉकलेट तांबे के बर्तन तथा नेपाली पुरानी चीज़ें बेचने वाली दुकानें हैं रेडियो में फिल्मी गाने ज़ोर से बजते हैं कार के हॉर्न साइकिलों की घंटियां बजती है मोटरसाइकिलों पर घूमती हुई गाय प्रश्नात्मक ढंग से रंभाती है तथा फेरी वाले अपने सामान बेचने के लिए ऊंची आवाज़ें लगाते हैं मैं भी बिना सोचे समझे व्यस्त हो जाता हूँ एक मंजी पेन पैदल पथ से कोयले पर भुनी हुई छल्ली जिस पर नींबू के साथ नमक तथा मिर्च मली होती है कुछ प्रेम कथाओं की पुस्तकें तथा एक रीडर्स डाइजेस्ट भी खरीद लेता हूँ यह सभी चीज़ें मैं केवल कोका कोला तथा बकवके संगत के पेय के साथ भी लेता हूँ तथा बेहतर अनुभव करता हूँ आई कंसिडर रूट आई शुड टेक बैक होम इफ आई वर प्रोपेल्ड बाई एंथुजियाजम फॉर ट्रेवल पर से आई वुड गो बाई बस एंड ट्रेन टू पटना देन sail up the Ganges past Banaras to Allahabad then up to the Jumna past Agra to Delhi but I am too exhausted exhausted and homesick today is the last day of August go home I tell myself move directly towards home I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. मैं वापस घर जाने के मार्ग के बारे में सोचता हूँ यदि मैं उसी उत्साह से यात्रा के लिए प्रेरित होता तो मैं मोटर तथा रेल गाड़ी से पटना जाता फिर गंगा नदी में गांव नाव से बनारस से गुज़रता हुआ इलाहाबाद जाता फिर यमुना नदी में से आगरा से गुजरकर दिल्ली जाता परंतु मैं बहुत थक गया हूँ तथा मुझे घर की याद सताती है आज अगस्त का अंतिम दिन है घर चलो मैं स्वयं से कहता हूँ कि सीधे घर की ओर चलो मैं नेपाल की वायुयान सेवा के कार्यालय में प्रवेश करता हूँ तथा कल की उड़ान के लिए टिकट खरीद लेता हूँ I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel in his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 masuris protrude in all directions like the quilts of a porcupine they are of bamboo there are cross flutes and recorders from time to time, he stands the pole on the ground, selects a flute, and plays for a few minutes. The sound rises clearly. Above the noise of the traffic and the hawkers' cries, he plays slowly, meditatively, without excessive display. He does not shout out his fears. Occasionally, he makes a sale. बट इना क्यूरसली ऑफ हैंडेड वे एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज टाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर इयर्स मैं होटल के पास मैदान के कोने में खड़े हुए बाँसुरी बेचने वाले को देखता हूँ उसके हाथ में एक लंबा सा डंडा है जिसके सिरे पर बंधी हुई वस्तु से झाऊ मूसे के कांटों की भांति सभी दिशाओं में पचास या साठ बाँसुरियाँ बाहर निकली हैं वे बांस की बनी हुई है उनमें चौमुखी बाँसुरियाँ भी हैं समय समय पर वह उस डंडे को जमीन पर खड़ा कर देता है तथा एक बाँसुरी चुनकर कुछ मिनटों के लिए उसे बजाता है बांसुरी की आवाज़ स्पष्ट रूप से यातायात तथा फेरी वालों की आवाज़ से तेज होती है वह धीरे धीरे ध्यान मग्न होकर बिना अधिक दिखावे के बांसुरी बजाता है वह अपने सामान के बारे में चिल्लाता नहीं है कभी कभी वो सामान बेचता भी है परंतु एक विचित्र लापरवाही से जैसे कि यह उसके कार्य का एक भाग हो कभी कभी वह फल विक्रेता से बात करने के लिए बांसुरी बजाना बंद कर देता है मैं कल्पना करता हूँ कि उसके जीवन का यही ढंग कई वर्षों से रहा है आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी इट इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड देर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट द रीड ने द रिकॉर्डर जि दिनिज Saku Hachi, the deep mastery of Hindustani classical music, the clear or vedi flutes of South America, the high pitched Chinese flutes, each has its specific fingering and compass. It weaves its own associations, yet to hear any flute is. It seems to me to be drawn into the कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रिथ इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रिथ बिफोर इट कैन गो ऑन मैं स्वयं को उस मैदान से अलग करने में कठिनाई अनुभव करता हूँ बांसुरी का संगीत सदा मुझे ऐसा बना देती है यह तत्काल सार्वभौमिक तथा सबसे विशेष आवाज है कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं जिसकी अपनी अपनी बांसुरी न हो जापान की साकुहाची अति प्राचीन हिंदुस्तानी संगीत की गहरी बांसुरी दक्षिणी अमेरिका की अस्पष्ट हवा वाली बांसुरी, चीन की ऊंची आवाज वाली बांसुरी प्रत्येक का अपना विस्तार क्षेत्र तथा अंगुलियां चलाने का ढंग है यह अपना विशेष संबंध बनाती है फिर भी मुझे लगता है कि बांसुरी सुनने का अर्थ है मनुष्य जाति के साथ साधारण संबंध जोड़ लेना संगीत द्वारा मनुष्य की आवाज़ के वाक्य तथा वाक्यांशों की भ्रांति प्रभावित होना इसकी प्रेरणा शक्ति भी सजीव श्वास है बजते रहने के लिए इसे भी रुकने का रुकने व सांस लेने की आवश्यकता होती है दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेज ऑन द बासुरी सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजेंस दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर लॉन्ग एबसेंस अब्रॉड आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउडो सर्वप्रथम मैं इस बात पर आश्चर्य करता हूँ कि बांसुरी की कुछ परिचित आवाज़ें मुझे इतना अधिक प्रभावित कर सकती हैं क्योंकि पिछली बार जब मैं काफ़ी लंबे समय के पश्चात विदेश से वापस आया था तो मैंने कम ही इस प्रकार का विवरण देखा था तथा निश्चय ही मैंने इन बातों को इतना महत्व नहीं दिया था जितना मैं अब दे रहा हूँ यह विक्रम सेठ के द्वारा फ्रॉम हेवन लेक से लिखी गई है तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे इनको अच्छी तरह से अपने बुक से दो तीन बार पढ़ें और इस स्टोरी को याद रखें इनमें कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको भी अच्छी तरह से याद रखें तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो लेसन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद गुड बाय